अवैध खनन पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्य वापस सदन में लौट भी आए। कुछ देर के लिए सदन के भीतर गहमा गहमी बनी रही। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इससे पहले सवान नदी में रेत खनन की अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इसका जवाब मांगा। अग्निहोत्री ने अवैध खनन के जरिए अराजकता फैलाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार अवैध खनन से इनकार करती है तो दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री रेड करते हैं। उन्होंने कहा कि जब विभाग इनकार कर रहा है तो मंत्री रेड किस बात के लिए कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर से इस बात का भी आग्रह किया है कि संबंधित मंत्री हमारे साथ मौके पर मुआयना करें। इस पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में 71 लीज दी गई, जबकि हमारी ओर से 24 लीज प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगातार रेड की है और जुर्माना भी ठोका है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अवैध खनन की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, वहां बटालियन बेचने की बात पर गौर करेंगे। बद्दी के लोधी माजरा में दो कंपनियों में अचानक आग लग गई, जिसे दमकल विभाग की 4 गाड़ियों और 2 निजी कंपनी की गाड़ियों सहित आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारी पीर सहाय कोंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि लोधी माजरा में जिंदल प्लास्टिक व सूर्य एम्बायरो टायर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है, जिसको 6 गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। नेपाल में संपन्न हुई 13वीं सैफ गेम्स में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। फाइनल मैच में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने नेपाल को 35-21 से पराजित किया। भारतीय हैंडबॉल महिला की 16 सदस्यीय टीम ने 6 महिला खिलाड़ी बिलासपुर की मोर सिंगी हैंडबॉल नर्सरी की शामिल थी, जिनका हर मैच में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम ने पहले मैच में भारत के चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 45-23 से पराजित किया। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को भी एक तरफा मुकाबले में 41-21 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भारत का मुकाबला सैफ गेम्स के आयोजक नेपाल को 35-21 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में मोर सिंगी हैंडबॉल नर्सरी की खिलाड़ियों निधि शर्मा, दीप शिखा, मोनिका पाल व प्रियंका ठाकुर का शानदार प्रदर्शन रहा। बिलासपुर पहुंचने पर महिला टीम का भव्य स्वागत किया गया और बिलासपुर पहुंचने पर रियात बहारा यूनिवर्सिटी द्वारा सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने अवैध खनन को लेकर विपक्ष के हंगामे पर तंज कसा है। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ये चाहे सभा में अभी बटालियन भेजे तो ये संभव नहीं, इसको लेकर विपक्ष का इतना जिद्दीपन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई, जब मंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब को स्वीकार करना चाहिए था। सदन में बैक आउट करना ठीक नहीं था, विपक्ष में बटालियन भेजने की बात की है, हमने कहा कि इस पर विचार करेंगे, हर पहलू पर सोच विचार होगा, अगर बटालियन भेजना आवश्यक लगा तो इस मामले में आगे बढ़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज नहीं ये कई साल से चला है, जब बीजेपी सरकार आई तो अवैध खनन पर सख्ती की गई। सदन में मंत्री ने बताया कि वे खुद कई बार औचक निरीक्षण पर गए हैं और अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा है।